हाँ तो मेरे भाइयों की हालचल आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक पुज भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा तो आज के में इस हम गेम प्ले की बात करने से पहले हम बात करेंगे हमारे लाइव स्ट्रीम पर बिकलास लास्ट टाइम भी गई मैंने कहा था कि मैं लाइव स्टार्ट करूँगा बट उस टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया था लाइक मुझे मेरे डिवाइस का तो जिसकी वजह से मुझे लाइव नहीं आ पाया बट अब मेरे पास गई जो मेरा डिवाइस है आई वो अवेलेबल हो चुका है और मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी थी तो मैंने इस पर प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे इस पर भी हम अपना जो गेम प्ले इम्प्रूव कर लेंगे तो गाइस इस तो सीम है मैं आज से अराउंड नाइट में स्टार्ट करूंगा नाइन या टेन ओ के बीच में तो आपको अगर अपने रैंक पुश या फिर रिलेटेड किसी से भी इशू हो तो आप आइए उससे पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस डाउन डाउट्स को क्लियर करने का तो चलिए गाइस मिलते हैं नाइट में अब बात करते गई हम ये वाले गेम प्ले की अब यहाँ पर गई हम आ चुके थे यहाँ पर जो हमारा बान है पूछिंगेगा वहाँ पर और यहाँ पर गई फिलहाल के लिए तो जोन थोड़ा सा ही हमसे दूर था लाइक मैं बोलूँ तो अराउंड ट्वेंटी मीटर दूर रहेगा तो यहाँ पर मैं अपने टीमेट खोलता हूँ कि हम बानस पुश करेंगे बिकॉज जो बानस जोन के ऐसे भी था और वहाँ पर अच्छा खासा कवर भी मिल जाएगा हमें तो यहाँ पर मैं गाड़ी लाता हूँ और ये वाले बानस पे पुश करता हूँ बट जो बंदा था गई वो हमारे बाजू वाले बानस में जा चुका था इतने में और ये वाला बानस क्लियर हो चुका था तो फिलहाल के लिए मैं ये वाले बानस में आ जाता हूँ और उस बंदे के लिए टीपी भी लेता हूँ और जो ये बंदा गई सामने जो स्टेयर्स होता है वहीं पर मेरे लिए, मेरे लिए वो टीपी पे ले रहा था तो यहाँ पर मैं एक नेट कुक करता हूँ और वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है कि इतने में वो बंदा एम के लेकर मुझे कुछ कर देता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जंप टिम करके इसे डैमेज वगैरह देने का ट्राई करता हूँ हमारे टॉमी से और राइस आपको नहीं पता हो तो क्लोज रेंज में टॉमी का जो हिप फायर है और उसका जो फायर नेट है वो बहुत सही है कंपेयर टू मैं कहूँ तो एम और ए से कभी कभार मुझे ऐसा लगता है टॉमी क्लोज रेंज में बहुत गंदा डैमेज देती है और इजिली बंदे को नॉक भी कर देती है अब यहाँ पर गई इस मैंने उस बंदे पे एक नेड भी किया था बट ये लोग बंदे गए ऊपर थे तो इनके पास कवर भी रहता है बानो से आपको पता ही है अब यहाँ पर गई मैं इसके अंदर थोड़ा सा गेट इन कर लेता हूँ लाइक कंपाउंड में ताकि मुझे पीछे से कहीं से पड़े ना और यहाँ पर गई जैसे ही मैं बानोस में थोड़ा अंदर आता हूँ तो मुझे राइट साइड में बाहर जोन के एच पे बंदों के फायरिंग का साउंड आ रहा था तो फिलहाल फिलहाल मैं थोड़ा टाइम के लिए वहाँ ध्यान देता हूँ और अपने टीमेट को बोलता हूँ कि तुम स्टेट्स पे ध्यान देना ये बंदे नीचे ना सके अगर कोई बंदा नीचे आता तो मुझे बताते ना कितने में गई मुझे एक डारसिया दिखती है तो इस बंदे को तो गई हम स्प्रे में डाल के एकदम इजीली गिरा देंगे और यहाँ पर इस बंदे का किल भी मुझे मिल जाएगा अब गईस जो जोन था वो हमसे अराउंड जो नेक्स्ट जोन था वो मुझसे अराउंड सत्तर अस्सी मीटर दूर था और मुझे इन बंदों को मारना पड़ेगा इस बोल आप सबको बताएं अगर मैं इन बंदों से अभी फाइट नहीं लेता हूँ तो ये बंदे जब जोन में एंटर करेंगे हम जोन के लिए निकलेंगे ये बंदे ऑब्वियसली पीछे से हम पे फाइट कर लेंगे या फिर हम पे शॉट्स लेंगे तो उस टाइम पे अगर मेरा कोई भी बंदा नॉक होता है तो उसे रिवाइव बिल्कुल नहीं मिलेगा और यहाँ पर ने कुछ भी कुछ करके इन पे क्लोज इन किया जाए और यहाँ पर मैं एक डेट डालता हूँ बट वो मिस हो जाता है बट जैसे ही मैं सेकंड हैंड डालता हूँ तो इसका जो एक बंदा है वो नीचे कूद जाता है और वो मुझे एक एमके की बुलेट्स भी चिपकाता है बट उससे गाइस मुझे अराउंड टेन टू फिफ्टीन परसेंट डैमेज पड़ता है अब ये बंदा गाइस सामने नीचे कूद के जो शैक है उसके अंदर चला जाता है तो ये हम तो हम इन पे करते हैं गाइस अब पुश तो यहाँ पर गई मैंने टॉमिक के प्री फायर से इन दोनों डो को एकदम ईजिली मार दिया अब यहाँ पर गई जोन को आने में थर्टी सेकेंड थे तो फिलहाल के मैं फटाफट अपने आप को हील करता हूँ बिकॉज जोन कभी भी श्रिंक होने वाला था और मुझे बताता था लाइक मुझे जोन में जगह भी पकड़नी है जैसा आप सबको बताएं एंड में मैं हमेशा गई जोन बनने से दस मिनट पहले दस सेकेंड पहले निकल जाता हूँ ताकि मुझे एक अच्छा पोजिशन मिल जाए और फटासी गई इस यहाँ पर मैं अपने डर से उठाता हूँ और फिलहाल के लिए इस पर मैं जोन के अंदर आता हूँ बिकॉज जो मेरी व्हीकल थी वो फ़िलहाल के लिए जोन के बाहर थी और उसमें पेट्रोल भी कम था बट इनकी व्हीकल सामने थी तो इसे मैं इजीली उठा लेता हूं और फटाफट यहां पर मैं अपनी गन को रिलोड करता हूं चैक में आकर ताकि मुझे गलती से नॉक ना कर सके जोन के बाहर अगर मैं यहां पर नॉकूंगा तो इजीली फिनिश हो जाऊंगा रिवाइव का गा तो गाइस कोई मौका ही नहीं था अब यहाँ पर गई इसमें फटक से व्हीकल निकालता हूँ और जोन में आने का ट्राई करता हूँ अब यहाँ पर गई जो ट्री था वो सामने वाला ट्री उस जोन के अंदर था तो फिलहाल के लिए मैं जैसे ही यहाँ पर गाड़ी स्टॉप करता हूँ तो इतने में लेफ्ट साइड से एक बंदा मुझे नॉक कर देता है और ये डूबो गाइस ऑलरेडी यहाँ पर कैम्प कर रहा था जैसा मैंने आपको हुआ कि आपको अर्ली पोजीशन लेना पड़ेगा ज़्यादा अर्ली नहीं लाइक दस बीस सेकेंड आप पहले निकल लो ताकि आप एक अच्छा पोजीशन लो अब इन दोनों बंदों ने कहीं हम पे पुश करना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पर मैं अपनी टीम में कॉल देता हूँ कि तुम स्मोक्स वगैरह के थ्रू इनका जो एम है वो ब्लॉक कर दो ताकि इन्हें थोड़ा टाइम लगे अगर ये बंदे हमारी क्लोजिंग में करते तो इन्हें हम स्पॉट ना हो और यहाँ पर कहीं इतने मेरे टीम मुझे रिवाई दे देती है और यहाँ मैं कॉल देता हूँ कि तुम थोड़ा सा दूर जाओ बिकॉज अगर गलती से उनमें से एक बंदे ने नेट डाला तो हम दोनों मर जाएंगे और हमें कुछ मौका नहीं मिलेगा अगर तुम पीछे चली जाओगी तो तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा अब यहाँ पर गई मेरे पास भी जितने स्मोक थे वो मैं कर देता हूँ बिकॉज मुझे रिस्क था मतलब लग रहा था कि लगे बंदे गलती से हम पे पुश करते हैं कितने में राइट से मेरे टीम को एक बंदा नॉक करता है और उसे ऑन द स्पॉट फिनिश भी कर देता है अब यहाँ पर गई मैं राइट से भी थोड़ा सा ओपन था बट यहाँ पर स्मोक के थ्रू वो मुझे देख नहीं पा रहे थे तो यहाँ पर मैं एक और स्मोक कर देता हूँ ताकि वो बंदे मुझे ईजिली स्पॉट ना कर सके अब गए इसमें ट्राई करता हूँ कि लाइक जब तक जोन मुझ पर है लाइक मतलब जोन है तब तक मैं यही रहूँगा और जैसे ही जोन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर स्मोक के थ्रू मैं निकल जाऊँगा ताकि मुझे कोई स्पॉट ना कर सके अब यहाँ पर जो स्मोक थे तो मेरे खत्म हो चुके थे बट मेरे जो टीम की पेटी है वो मेरे बाजू में ही थी तो फटक से गई इसमें जाता हूँ और इसके बाद जितने स्मोक थे उन्हें उठा लेता हूँ और जैसे जैसे मुझे स्मोक मिल जाता है तो मैं फटक से अपनी जो गाड़ी है उसके क्लोज में स्मोक करता हूँ बिकॉज मेरे पास 22 सेकंड थे और मुझे गाड़ी के थ्रू ही जाने का एक मौका था वरना मैं इजीली मर जाऊँगा और जैसे गाइस मुझे लगता है कि उन दोनों जो डुओ है वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो फटक से मैं जोन में जाने का ट्राई करता हूँ बट उतने में जो बंदे मुझ पर लेते हैं तो फिलहाल गाइस मैं इस टी के कॉर में आ जाता हूँ और यहाँ से जोन में एंटर करने के लिए स्मोक स्मोक करता हूँ तो गाइस अब यहाँ पर तो गाइस मुझसे गलती नहीं होती है सामने वाले बंदों पर गाइस पोजिशन था और उन पर जोन भी था तो मुझे ईजिली मार देंगे तो आप वीडियो को एंड तक जोर देखना तो बस गाइड इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय